नमस्कार दोस्तों, इम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों का मुद्दा लोकसभा से राज्यसभा तक यहां पर जो है गरमाया हुआ है। लोकसभा और राज्यसभा में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दे को पिछले तीन चार दिनों में तीन सांसदों ने यहां पर उठाया है। आइए यहां पर जानते हैं कि कौन से सांसदों ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों का मुद्दा लोकसभा और राज्यसभा में उठाया और किस तरह से उन्होंने बेबाक तरीके से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि करने की बात कही। सबसे पहले 24 जुलाई 2024 को सुप्रिया सुले जी ने लोकसभा EPS 95 पेंशन धारकों का मुद्दा उठाया। They are doing nothing for EPS 95. So much they talked about pensions. EPS 95 was a commitment this government made. I mean, I hope his soul rests in peace. But Arun ji is unfortunately no more with us. But Arun ji had mentioned it that EPS 95 is something we commit to. This government hasn't done it. Agrarian crisis, as I said, milk. इसके बाद 25 जुलाई 2024 को राज्यसभा में डीएमके के सांसद जन्मुगम जी ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों का मुद्दा बेबाक तरीके से रखा। सर, इन 2014, while the UPA government, the minimum pension was increased 1000 rupees. Subsequently, we demanded so many times. Sir, you know, even the old age pension, they are getting more than the 1200 pension. But after 20 years, 30 years working, they are getting the very poor pension. The EPF always says there is no financial resource. I ask the government through you, sir, there are all the funds from the family pension scheme merged with the EPF. All the corpus fund of the retired employees who died after 95, their fund also merged with that. The unclaimed fund, lack of rupees, has also be there. But the government is not come forward to meet the demand of the poor retired working class. So that I request through you, sir, let the labor department as well as the finance department. इसके बाद 26 जुलाई 2024 को शिवसेना उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों का मुद्दा सदन के पटल पर रखा। हमें मुझे आपको यही बताना है कि और एक बार आखिरी मुद्दा आता है, ये सब करने के बाद पेंशन 10 बरस लड़ रहा हूँ ईपीएस पेंशन 95 800 रुपया 1200 रुपया, क्यों उनसे खिलवाड़ कर रहे हो सर? और इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करते हैं महाराष्ट्र के तीन मुद्दे एक मिनट में खत्म कर रहा हूँ। तो जिस तरह से ईपीएस 95 पेंशन धारक लगातार सांसदों और विधायकों से यहाँ पर संपर्क बनाए हुए हैं, उसका नतीजा भी लोकसभा और राज्यसभा में देखने को मिल रहा है। कई सांसद यहाँ पर जो है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दे को बजट के इस सत्र में यहाँ पर उठा रहे हैं। इसके अलावा दूसरी ओर से ईपीएस 95 पेंशन धारक धरना प्रदर्शन आंदोलन करके भी सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। 31 जुलाई 2024 को ईपीएस 95 पेंशन धारकों का एक आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर पर यहाँ पर होना है। तो यही लेटेस्ट अपडेट लोकसभा और राज्यसभा से ईपीएस 95 पेंशन धारकों से जुड़ा निकल कर आ रहा था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस तरह से पीएफ पेंशन सरकारी योजना से जुड़ी खबरों को आप अपने व्हाट्सएप पर पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इम्प्लॉय खबर के व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर जो है आप अपने मोबाइल पर अपने व्हाट्सएप पर ही इन खबरों को पा सकते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।